फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अगर गन्ने की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और गन्ने की खेती में भी और ज़्यादातर हमारे देश में जो होते हैं 70% लगभग किसान हैं, और सभी किसान जो करते हैं ज़्यादातर गन्ने की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जो गन्ने की खेती करते हैं, और उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो गन्ने की खेती नहीं करते हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो किसान हैं वो गन्ने के लिए गन्ने बोने की कोशिश करेंगे और गन्ना बहुत ही अच्छा होगा उनका जितना भी होता है। जैसे मान लो 70-80 कुंटल बीघे में होता है तो उसका डबल पैदावार होगी। आज की इस वीडियो में एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ, ऐसी बुवाई गन्ने की बताने वाला हूँ जिससे आपका गन्ना डबल होगा। तो चलते हैं दोस्तों, किस तरह से हम बुवाई करते हैं उसको आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। इस विधि में आपको 2 फीट चौड़ा गड्ढा और 10 इंच गहरा गड्ढा खोदना होता है, और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी लगभग 3 फीट रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस विधि की बात करें तो इस विधि का नाम ट्रंच विधि है, और ये मुख्यतः भारत में बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। ये नया तरीका है गन्ने की बुवाई करने का, और जिस किसान भाई के पास कम जमीन है उसको तो ये तरीका अपनाना चाहिए जरूर। ये वाला वेस्ट है उसको फेंक दीजिए। एक आंख की कटाई कर लेते हैं जैसा आप देख रहे हैं। इस तरीके से इसको काट लेते हैं, मेरी तरफ भी दिखाना। इसको एक एक आंख इसकी काट लेते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है। दोस्तों ये गन्ने की बुवाई की अब तक की सबसे बेहतरीन विधि है, जिसमें आपको गन्ना लगभग 15 फीट से भी लंबा लंबा आपके खेत में देखने को मिलेगा, और आप इसमें 3 बार पेड़ी भी काट सकते हैं, तिपेड़ी की जिसको कहते हैं। एक एक छोटी छोटी आप इसकी काटनी है। और इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है, जैसे ये गीली मिट्टी है, इस गीली मिट्टी को थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। और इसके साथ में क्या करना है, इस तरह इसमें सबसे जरूरी होती है कि आप DAP जो होती है, डाई जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा डालनी है। लगभग इसमें 200 ग्राम डाई डालनी है, इसके अंदर एक खड्डे के अंदर 200 ग्राम डाई डलेगी। उसके बाद में इसमें जितने भी जो सल्फेट वगैरह होते हैं और इसकी बुवाई में डलने वाले जो उर्वरक होते हैं और जो कीटनाशक होते हैं, सब तरह के फंगस वाले कीटनाशक होते हैं, उनको आप जरूर डाल दें जिससे इसमें फंगस ना लगे, एक एक पेड़ा आपका जमेगा। और इसमें कीड़े वाला कीटनाशक भी आपको जरूर डालना है जिससे कीड़ा ना लगे। इसको पूरा ना ढके, पूरा ना भरे, बस इसको इतना भरना है जिससे कि सिर्फ पेड़ा दिखे ना पूरा। तो इस वीडियो में जो गन्ने की बुवाई का जो मेथड हमने बताया है ये बहुत ही अच्छा मेथड है, और इस मेथड में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ये है कि एक तो हमारा जो गन्ना होता है उसकी पैदावार डबल हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम गन्ना बोते हैं तो उसकी पेड़ी दुपेड़ी नहीं हो पाती है। एक बार काट लेंगे गन्ना बो के तो उसकी अगले साल जो पेड़ी होगी वो भी हल्की हो जाती है, क्योंकि नौदा जो बोई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा गन्ना निकलता है नॉर्मली। लेकिन अगर पेड़ी छोड़ दी जाती है तो उसका गन्ना कम हो जाता है और अगले साल में गन्ना कम निकलता है। लेकिन इस मेथड से आपकी पेड़ी जो छिकेगी वो और उसमें जो कल्ला निकलेगा वो बहुत ही अच्छा कल्ला निकलता है, और जो उसमें जो गन्ना निकलेगा वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, पहले से ज़्यादा मात्रा पेड़ी देती है इसमें मेथड में। चाहे आप किसी भी गन्ने की नस्ल कोई सी भी बोएं, लेकिन इस विधि से बोएंगे तो उसमें जो पैदावार निकलने वाली है वो बहुत ज़्यादा निकलेगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो तिपेड़ी भी आप काट सकते हो, ठीक है। 3 फायदे मैंने आपको बताए हैं, ये वो फ़ायदे हैं जो किसी फसल में नहीं मिलते हैं। और अगर आपका मान लो 100 कुंटल बीघे का भी मिनिमम गन्ना होता है तो 350 का रेट गन्ने का है, तो आप बताइए कितने का हो गया, लगभग ये हो जाएगा लगभग 35,000 रुपये बीघा। कम नहीं होता, काफ़ी होता है, अच्छा होता है। 35,000 बहुत होते हैं, क्योंकि कोई भी पक्की फसल आप बोते हो दूसरी तो इतना पैसा नहीं देगी, क्योंकि आप गेहूं भी बोते हो गेहूं भी इतना नहीं देगा, मूंजी बोते हो मूंजी भी इतना नहीं देगी, कोई भी अगर फसल करते हो तो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगी। और ये पक्की फसल है, इसकी हर जगह डिमांड रहती है, गुड़ होता है, शक्कर होती है, चीनी होती है, सब कुछ इसी से ही बनता है, इसलिए इसकी डिमांड हर जगह होती है गन्ने की। तो दोस्तों बेझिझक गन्ना बोइए,
पैदावार ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा कमेगा, आपका परिवार खुश रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।